हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। यहाँ पर कागुरा अपने ग्रैंडफादर के बारे में लॉर्ड कागे को बताते रहता है, तो लॉर्ड कागे उससे कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर कितने मतलब खूनी थे और बुरे थे, पर तुम अच्छे हो। और फिर ये कहता है कि ये लो कागुरा स्वॉर्ड्स की चाबी, और वो उन बहुत सारी स्वॉर्ड्स जो सेवन स्वॉर्ड्समैन की स्वॉर्ड्स होती है उसकी चाबी कागुरा को देता है। कागुरा उनमें से एक स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आदमी कोई उनसे बाहर से देख रहा होता है। और फिर कागुरा यहाँ पर उसके एकेडमी में उस स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है, और मतलब वो स्वॉर्ड को अच्छी तरह से अपना भी लेता है। तो पीछे से बुरुटो आता है, वह कहता है कि वाह क्या अच्छी तरह से चला लेते हो तुम ये स्वॉर्ड, मुझे भी चलाने दोगे? पर कागुरा कहते हैं, नहीं ये तुम्हें चलाती नहीं आएगी, ये सिर्फ मुझे चलाती आएगी क्योंकि मैं इसमें माहिर हूँ। फिर बुरुटो कहता है ठीक है। तभी अचानक से बुरुटो पानी में खींचा जाता है, और फिर कागुरा भी अंदर चला जाता है, और वो एक वाटर बॉल के अंदर फंस जाते हैं, और वो वाटर बॉल को कंट्रोल करने वाला एक ऊपर आदमी होता है। और हम देखते हैं कि बाद में वो दोनों भी वाटर बॉल हवा में उड़ जाते हैं, जिनमें बुरुटो और कागुरा होते हैं। फिर हम देखते हैं कि कागुरा कहता है, सेंसे आप? और फिर वो अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कागुरा और बुरुटो नीचे धड़ाम से पानी में गिरते हैं। और फिर कागुरा कहते हैं, सेंसे आप तो? और फिर ये कहता है, हाँ मैं तुम्हारा सेंसे हूँ कागुरा। और फिर बुरुटो कहता है, अरे ये तो वही आदमी है जिन्होंने हमको उन बदतमीज लड़कों से बताया था। हाँ सच में ना, देखा मैंने पहचान लिया। और फिर आदमी कहता है, हाँ तुम हो के लड़के हो ना, पता है मुझे। फिर यहाँ पर कागुरा कहते हैं, हाँ पर सेंसे आपका तो मिशन था ना? और फिर ये कहता है, हाँ पर मुझे अभी मिशन मेरा बदल गया है लोगों को मारने के लिए। और फिर ये दोनों के पसीने छूट जाते हैं, कहते हैं क्या मारने के लिए? और फिर ये नीचे उतर कर कहता है, हाँ हम लीफ विलेज पर हमला करेंगे कागुरा, हमारी काबिलियत दिखाने के लिए, तुम्हें पता नहीं है। तो फिर कागुरा कहता है, नहीं पर ऐसा क्यों करेंगे हम, बताओ सेंसे। फिर ये कहता है, हाँ अब हमें हमें काबिलियत दिखानी होगी, पहले हम इस होकागे के लड़के को मारेंगे। और फिर बुरुटो कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ये बहुत बुरा हो रहा है। और फिर कागुरा उसके पास जाकर कहता है, सेंसे आप तो क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि कागुरा याद करो तुम्हारे वो पहले के दिन, हाँ जब तुम्हारी मतलब तुम बहुत परेशानी में थे तो मैंने तुम्हें कितनी हेल्प की थी। तो कागुरा याद करता है, जब वो छोटा था तब वो एकेडमी में एक लड़के से फाइट कर रहा था चैंपियन बनने के लिए, और तभी हम देखते हैं कि वो लड़के से उसकी ज़्यादा ही मतलब ये हो जाती है भिड़त, और बाद में वो लड़का नीचे गिरता है। पर कागुरा उसको नहीं छोड़ता, कागुरा को और गुस्सा आने लगता है, मतलब उसका मतलब उसके ग्रैंड फादर का खून उसमें है, इसलिए मतलब वो बहुत ताकतवर हो जाता है। और फिर उस लड़के को मारने जाता है, तो वो उसके सेंसे बीच में आ जाते हैं, और उसके सेंसे को तलवार लगती है, और ये कहते हैं कि कागुरा बस हो गया। और कागुरा रोने लगता है और कहता है कि अरे यार माफ़ कर देना, मैं मेरे मतलब बहुत दब गया था। और फिर बाद में उसके उसके क्लास के एक टीममेट्स मतलब उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये तो अपने ही क्लास के बच्चों पर हमला कर रहा है, कागुरा तो पागल हो गया है। और फिर ये सेंसे उसको बताते हैं कि तुम अभी लड़ाई के लिए बने हो, आगे तुम मेरे बहुत काम आओगे। फिर कागुरा कहते हैं, सेंसे आपने कहा था, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं लड़ूंगा नहीं। फिर ये कहता है कि हाँ तुम्हें लड़ना ही होगा कागुरा, तुम्हें पता नहीं ये अब हमें हमारी काबिलियत दिखानी होगी, ये बहुत बुरा हो रहा है। तो फिर कागुरा चक्कर खा के नीचे गिर जाता है, और बुरुटो कहता है, हे बूढ़े आदमी। तो ये कहता है, मैं सिर्फ 18 का हूँ। तो फिर बुरुटो कहता है, क्या तुम सिर्फ 18 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम अब मुझसे मेरे हाथ से जाने वाले हो। तो बुरुटो कहता है कि अब देखो, और फिर बुरुटो उसके ऊपर पंच मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड निकल कर बुरुटो को वो डराता है, तो बुरुटो दूर जाकर खड़ा होता है और कहता है, अब देखो मेरा मुंह। और वो शैडो क्लोन जुत्सु करता है, और दो तीन शैडो क्लोन आसानी से बना लेता है और उसको घेर लेता है, और फिर अपनी कुनाई से इलेक्ट्रिक शॉक निकालकर वो उसके ऊपर फेंकता है। और फिर बुरुटो कहता है, देखा मेरा कमाल, अब इसे रोक के दिखाओ। तो तभी हम देखते हैं कि बाद में ये कहता है, आजा आजा आजा, और ऐसा कहने के बाद बुरुटो के क्लोन्स के ऊपर हमला करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो ऊपर से उनके तरफ बहुत सारे कुनाइस फेंकता है अलग अलग डायरेक्शन से, पर अचानक से एक लड़की वहाँ पर आती है जिसका नाम होता है नंबर वन, और वो उसको रोक लेती है, और बुरुटो नीचे गिरता है। और फिर वो आदमी कहता है, नंबर टू, और फिर नंबर थ्री, नंबर फोर, जल्दी आ जाओ। और फिर हम देखते हैं कि नंबर वन यहाँ पर होती है, नंबर टू भी यहाँ पर खड़ा हो जाता है, नंबर थ्री कहता है, बॉस मैं भी आ गया हूँ, और बाद में नंबर फोर यहाँ पर होती है, वाओ कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पर। और फिर बुलटो कहता है, तुम्हारा नंबर फाइव कहाँ पे? हाँ वो भी था ना। और फिर अचानक से पानी से अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है, और वो मॉन्स्टर निकलने के बाद हम देखते हैं कि वो ही नंबर पांच होता है, और वो बुरुटो के सारे क्लोन्स को खत्म कर देता है, और बुरुटो अकेला बच जाता है। और बुरुटो कहता है, अब मैं क्या करूँ, तुम इतने सारे हो। और फिर बुरुटो कहता है, अब कोई चारा नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और वो अपने कुनाई निकाल कर उस सबके ऊपर हमला करता है, पर बाद में अभी एक वर्ष से सभी इतने सारे लोग हैं तो कौन जीतेगा आपको पता ही होगा। तो फिर बुरुटो मुँह के खाले तार नीचे जाकर गिर जाता है, बुरुटो को बहुत सारा लग लेता है, उसके मुँह से खून निकलने लगता है। और अभी हम देखते हैं कि कागुरा उठता है और कहता है, बुरुटो नहीं नहीं, और बुरुटो को पकड़ लेता है, कहता है, बुरुटो क्या तुम ठीक हो? और फिर बाद में ये कहता है कि अब तुम्हारे सामने है
सात स्वॉर्ड्समैन और फिर आ जाओ कागुरा। और फिर ऐसा कहने के बाद बुर्डो कहता है सात काय को, तुम तो छह ही हो। तो फिर कागुरा कहता है कि मैं भी क्या स्वॉर्ड्समैन हूँ? तो फिर आदमी कहता है हाँ तुम भी हमारे साथ स्वॉर्ड्समैन बनोगे, जल्दी आओ अभी वॉर शुरू होने वाला है। तो बुर्डो सोचता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि वापस वॉर शुरू नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम्हारे पापा हमेशा दिन रात काम करते रहते हैं। तो फिर बाद में हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है बुर्डो को मार दो। तो फिर अचानक से कागुरा बुर्डो के ऊपर स्वॉर्ड लाता है, कहता है बुर्डो जल्दी चले जाओ यहाँ से। और वो अचानक से उसके जो सेंसे होते हैं उनकी तरफ अपनी स्वॉर्ड निकालता है, कहता है सेंसे उसे मारने मत दो, मतलब उसे मत मारो, उसे जाने दो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहता है ठीक है जा बुर्डो, अपने पापा को बता दे कि अब वॉर शुरू होने वाला है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि बुर्डो बहुत अकेला पड़ जाता है और यहाँ पर कागुरा भी उन बुरे लोगों के साथ चला जाता है। तो फिर बुर्डो कहता है कागुरा मत जाओ इन बुरे लोगों के साथ, ये तुम्हें बहका रहे हैं, मत जाओ। और फिर बुर्डो बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर साकुरा उसे मतलब सारा उसको ढूंढ लेती है और कहती है बुर्डो क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ था तुम्हें? तो फिर बुर्डो कहता है अरे मैं ठीक हूँ, तुम्हें मुझे मेरी कैसे पता चला कि मैं कहाँ पे हूँ? तो ये लड़का उन्हें बताता है कि बुर्डो कहाँ पर है। और फिर बुर्डो कहता है ये तो बदमाश लड़का है। पर सारदा कहती है नहीं अब ये ठीक हो गया है। अब ये लड़का कहता है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, वो मेरा फायदा उठा रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि सारदा कहती है मैं भी तुम्हारे साथ मिशन करूंगी, मैं तुम्हें तुम पर आंख रखने के लिए मैं थी। तो फिर बाद में हम देखते हैं कि वो लड़का कहता है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। और फिर हम देखते हैं गाइस कि यहाँ पर ये आदमी कहता है तो यहाँ पर आ गए हैं वो लोग। और फिर मिस्की भी उस आदमी का पीछा करके यहाँ पे आता है, कहता है शायद ओरोचिमारू को बताना पड़ेगा ये बात। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बुल्डो कहता है जल्दी से चलो साकुरा मतलब सारदा, हमें जल्दी से मिशन करना होगा, उन लोगों को ढूंढ के हमें कागुरा को बचाना होगा। तो लड़का कहता है ठीक है मैं बताऊंगा उनके डायरेक्शन कहाँ पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस रूम में आ जाते हैं और वहाँ पर सातों की सातों स्वॉर्ड्स रखी होती है। तो आगे क्या होगा तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।